पता है, साउथ डकोटा में रहने वाला ये आदमी हर 6 महीने में एक बार लाइट बल्ब चेंज करने के लिए कम्युनिकेशन टॉवर चढ़ता है, जिसके वजह से उसको $20,000 सैलरी मिलती है। नजरों को धोखा देने वाला मॉरिशियस का ये झरना जो है पानी के अंदर, ये और ऐसे और फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फैक्ट नंबर 5, एक स्कार्फ जो आपको फोटोज और वीडियोस में इनविजिबल यानी कि अदृश्य बना देगा। जी हाँ, इस स्कार्फ का नाम इशू है। इसका नाम एकांत और शांत का मिक्सचर है जो इश्यू और श से निकाला जाता है। ये स्कार्फ एक स्पेशल फैब्रिक से बनाया है जिसमें हजारों नैनो स्फेरिकल क्रिस्टल्स जो सभी फ्लैश फोटोग्राफी को बेकार कर देता है, क्योंकि ये क्रिस्टल्स कैमरा में प्रकाश को दर्शाता है। इसके पीछे का दिमाग एक 28 साल के दिल्ली में रहने वाले लड़के का है जिसका नाम सैफ सिद्दीकी है ना अनोखी चीज। फैक्ट नंबर 4, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री मूवी तो आप सबने देखी होगी, पर क्या आप जानते हैं उसमें जो स्क्विरल्स यानी कि गिलहरिया दिखाई गई है वो कोई एनिमेशन नहीं बल्कि असली स्क्विरल्स है। जी हाँ, 40 असली स्क्विरल्स वो चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री के लिए नट्स फोड़ने के लिए प्रशिक्षण किया गया था। परिष्कृत कंप्यूटर जनरेटेड टेक्नोलॉजी उपलब्ध होने पर भी डायरेक्टर टिम बर्टन ने रोनाल्ड डाहल्स नॉवेल के प्रसिद्ध नट रूम के दृश्य के साथ कोई भी शॉर्टकट लेने से इनकार कर दिया। वहाँ कुछ स्क्विरल्स को हाथ से पाला जाता था और उन्हें सेट पर बॉटल मिल्क यानी कि दूध की आवश्यकता होती थी। बाकी स्क्विरल्स बचाव या निजी घरों से आते थे। फैक्ट नंबर 3, जापानीज एक यान का सिक्का इतना हल्का है कि ये सतह के तनाव को भी नहीं तोड़ता। सूक्ष्म स्तर पर पानी के मॉलिक्यूल हमेशा यादृच्छिक गति यानी कि रैंडम मोशन पर होते हैं। उन मॉलिक्यूल के बीच अंतर अनाविक बल मजबूत है, तो प्रत्येक मॉलिक्यूल अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचता है। अब पानी के सतह पर मॉलिक्यूल पर विचार करें, इन मॉलिक्यूल के ऊपर पानी के कोई मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, जिसके कारण शुद्ध बल नीचे की ओर कैरी कर रहा होगा। इसलिए ये मॉलिक्यूल संकुचित हो जाते हैं और वे एक दूसरे के करीब आ जाता है। ये संकुचित मॉलिक्यूल एक पतले परत बन जाते हैं। ध्यान रखें कि मॉलिक्यूल के इस संपीड़न का पानी में किसी भी गहरे मॉलिक्यूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो बाद के मॉलिक्यूल के बीच की दूरी पहले के तरह ही होती है ये सतह पर मॉलिक्यूल की तुलना में अधिक होती है। मॉलिक्यूल के यह पतले परत सतह को चिकना बनाते हैं, इसलिए जब आप पानी के सतह पर एक येन का सिक्का नाजुक तौर से रखते हैं तो सतह का तनाव इतना मजबूत होता है कि उस एल्यूमिनियम के सिक्के का वजन पकड़ सके। इसके अलावा यदि आप इसे नाजुक तौर से नहीं रखेंगे तो सिक्का तैरता नहीं होगा। फैक्ट नंबर 2, नजरों को धोखा देता है मॉरिशस का ये झरना जो है पानी के अंदर। दुनिया भर में कई ऐसे वाटरफॉल हैं जो लोगों को खूब आकर्षित करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी पानी के अंदर मौजूद किसी झरने के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो बता देते हैं, ऐसा एक झरना मॉरिशस में है जो पर्यटकों को खूब भाता है। हिंद महासागर में अफ्रीका से 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मॉरिशस के पश्चिम तट के समीप ये झरना मौजूद है। हालांकि लोगों के बीच ये भले ही वाटरफॉल के रूप में पॉपुलर है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक दृष्टि भ्रम है। इसे देखकर वाटरफॉल का एहसास इसलिए होता है क्योंकि रेत और गाद की तलछल के कारण यहाँ एक नाटकीय दृश्य उत्पन्न होता है जिससे समुद्र का पानी अंदर की ओर जाता है। बता दें कि इस अंडर वाटर वाटरफॉल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, साथ ही इस बीच के सुंदरता का भी लुत्फ उठाते हैं जो पूरी तरह से सफेद बालू से भरी हुई है। फैक्ट नंबर 1, दक्षिण दकोता में हर 6 महीने में ये आदमी प्रकाश बल्ब बदलने के लिए कम्युनिकेशन टॉवर पर चढ़ता है। उसे प्रति चढ़ाई $20,000 का भुगतान किया जाता है। आपने बिल्कुल सही सुना, जहाँ कहीं भी एक प्रकाश बल्ब है, कोई है जिसका काम इसे बदलना है।
यह सच है कि हम स्ट्रीट लैंप के बारे में बात कर रहे हैं या टेलीविजन टॉवर के शीर्ष पर चमकती रोशनी के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में, जो शायद ऊंचाई से डरने वालों के लिए नहीं है, ये टॉवर टेक्नीशियन लाइट बल्ब को बदलने के लिए 1500 फुट के टॉवर को मापते हैं। जब वह शीर्ष पर पहुंचता है तो एक सेल्फी ले लेता है। वीडियो को साउथ डकोटा के सलेम के पास KDLT टीवी एनालॉग टॉवर पर शूट किया गया था। टॉवर पर काम करने वाला हर 6 महीने में एक बार बल्ब बदलने के लिए $20,000 कमाता है। US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक के अनुसार विकसित देशों में बिजली के टॉवर और संचार टॉवरों को $67 तक का वार्षिक वेतन मिलता है। अपने पेशे से जुड़े जोखिमों के कारण श्रमिकों के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के रूप में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए और विशेष प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए। उन्होंने 2010 में यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया था और 31 मिलियन से अधिक बार देखा गया था। इनमें से एक कार्यकर्ता टॉवर के शीर्ष पर बल्ब को बदलने के लिए केवल 538 मीटर की ऊंचाई पर अपना काम कर रहा था। कार्यकर्ता टॉवर पर चढ़ते हुए दिखाई देता है और उसकी रक्षा के लिए बिना रस्सियों के भारी बिजली के उपकरणों का बैग ले जाता है। कुछ वेबसाइट के अनुसार टावर पर काम करने वाला हर 6 महीने में एक बार बल्ब को बदलने के लिए $20,000 कमाता है। आज के लिए बस इतना ही। और फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।